नमस्कार अगस्त अपडेट को स्वागत करुछ मु कुष्मिता प्रथम राज्य पक हेडलाइंस उपरे इसरो को आउ एक सफलता 10टी उपग्रह नै जाउथबा पीएसएलवी C49 रो सफल उत्क्षेपण 9टी आंतरजातीय उपग्रह सह रहिछि भारतर ईओएस 01 उपग्रह कृषि जंगल एवं उपजय परिचालन सहायता पय प्रयोग मैट्रिक परीक्षा फॉर्म पूरण करबा पय स्थगितादेश स्थगित नै माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर विज्ञप्ति जारी फॉर्म फिलअप पय 5 तारिख रे प्रकाश पाइथला विज्ञप्ति असंतुष्ट थिले अभिभावक छात्रछात्री महानदी जल विवाद मामला ट्रिब्यूनल आज शुणा शेष दुईट दाबी रखा ओडिशा बाहरणी समाधान बाट शुणा समय निर्धारण पर दुई पक्ष को परामर्श दे ट्रिब्यूनल डिसेंबर 5 रे परवर्त शुणा पुरी में पुणि थे सेक्स रैकेट ठाब एकाधिक बंगीय युवती युवक को धरला बलियापंडा पुलिस बंगीय युवती थाना पचराउचरा दुई देहजीवी को उद्धार कर तीन जन गिरफ्त बीएमसी रे चाकरी कराई देबा नारे टंका ठके अभियोग तीन जन को अटक रखी नयगढ़ शरणकूल पुलिस जाल नियुक्ति पत्र तैयारी कर स्वीकार करछ अभियुक्त कटक आठगढ़ घासुआ पहाड़ निकट दंता हाथी मृतदेह उद्धार खुंटुणी रेंज राजवल्लभपुर रिजर्व फॉरेस्ट जंगल अंचल घटना दंता हाथी मृत्युर कारण अस्पष्ट बालेश्वर सहदेव खुंटार कोटे टंकार ब्राउन सुगर जबत क्राइमब्रांच एसटीएफ और बालेश्वर पुलिस मिलित चढ़ाव एक केजी धरा जहर जबत तीन गिरफ्त आज बिहार में अंतिम पर्याय मतदान 15 जिले में 78 आसन पर वोटिंग 1204 जन प्रार्थी भाग्य निर्धारण करेंगे 2,35,00,000 रु अधिक भोटर सका 11 सुधा 19.74% मतदान राज्य में कमुच पारद बढ़ुची शीत 15 डिग्री तले 4 सहर तापमात्रा 11.8 डिग्री सह सोनपुर सबुठ ठंडा सहर बर्तमान आज पक संपूर्ण खबर पर भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था बा इसरो को मिली आउ एक बड़ सफलता इसरो पक्षर 51तम पीएसएलवी उत्क्षेपण कर पीएसएलवी C49 10टी उपग्रह महाकाश को उत्क्षेपण कर 9टी आंतर्जातीय उपग्रह और गोटे देशर ईओएस 01 उपग्रह रही उपग्रह कृषि जंगल और विपर्य परिचालन में सहायक हो पारे मैट्रिक परीक्षा फॉर्म पूरण पर स्थगित तेज स्थगित नहीं माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्ष विज्ञप्ति जारी कर प्रत्याहार करने सभापति को स्कूल और गणशिक्षा मंत्री निर्देश देते मैट्रिक परीक्षा फॉर्म फिलअप 5 तारीख में प्रकाश पाई विज्ञप्ति यापर असंतुष्ट थे अभिभावक और छात्र छात्री पाठ पढ़ा हो नवर कि छात्र छात्री परीक्षा देते प्रश्न उठी महानदी जल विवाद मामलें ट्रिब्यूनल आज शुणा शेष तेज ओडिशा आडवोकेट जनरल असुस्थ थी पक्ष रखिले मुकुल रोहतगी आज शुणा में मुख्यतः दुईट दाबी रखा ओडिशा अण मौसुमी समय एक निर्दिष्ट परिमाण जल हीराकुद जलभंडार को छाड़ा नहीं ओडिशार अंतरीण आवेदन उपर बारंबार बैठक विफल होभय पक्ष मध्य कौन प्रकार समाधान बाट बाहरी पाना तेणु डिसेम्बर कौन एक तारीख में मामलार चूड़ांत शुणा कर उभय पक्ष दाबी अनुसार ट्रिब्यूनल राय देवाक ओडिशा दाबी कर छत्तीसगढ़ द्वारा निर्माण ब्यारेज तथ्य रखा दावी कर सहित मूल आवेदन शुणा समय निर्धारण पर दुई पक्ष को परामर्श दे ट्रिब्यूनल मामला परवर्त शुणा डिसेंबर 5 तारीख रहा पूरी बलियापंडा अंचल में पुणी थे एक सेक्स रैकेट ठाब हो रैकेट को धरवे सफल होती बलियापंडा थाना पुलिस एक होटल में चढ़ाव कर एकाधिक बंगीय युवती पुलिस तीन जन को गिरफ्त कर गिरफ्त व्यक्ति होती पुरी निमापड़ार सुवर्ण स्वाई एरसमार देवीप्रसाद माझी और कोलकाता सपन दत्त गतकाली संध्यार होटेल तीनोट कोठरी पुलिस चढ़ाव कर गोटे कोठरी चारज युवती अन्य दुई कोठरी दुईहल युवक युवती थे एस पांचज बंगीय युवती थाना पचराउचरा कर गिरफ्त अभियुक्त को इमोरल ट्राफिकिंग एक्टर धारा 3, 5, 6 और 7 रे कोर्ट चालाण कर गत सेप्टेम्बर 14 तारीख में पुलिस चढ़ाव कर दुई देहजीवी को उद्धार करने सहित तीन जन को गिरफ्त कर
अनुगुल जिला जलपड़ा बनांचल उगी ग्राम से 4 दिन हम हाथी उपद्रव वृद्धि पावर लगी। उगी ग्राम से 3 हाथी पशि धान फसल कदमी मका बैगण आदि खावा सहित आंब गछ नष्ट कर ग्राम से 5 जन चाषी धान बिल में हाथी पल प्रवेश कर फसल खावा सहित व्यापक धान फसल दड़ी नष्ट कर देते। अन्यपक्ष वन विभाग हाथी को घोड़ाई जाऊन बेले क्षतिपूरण देन चाषी मैंने अभियोग कर सुवर्णपुर संबलपुर राज्य राजपथ माटुपाली गांव रास्ता कड़ जंगल एक दरपोड़ा मनीष कंकाल उद्धार होती। तेज हत्या कर पोड़ीदेवापर कंकाल आनी एक पलिथिन में भर्ती कर फिंगी अनुमान माटुपाली गांव रास्ता कड़े एक कड़ा पलिथिन में बंधा हो दरपोड़ा कंकाल स्थानीय लोक देखा पाई लोक पुलिस को खबर देवापर उलुंडा पुलिस घटनास्थल पहुंची यह उद्धार कर अनुसंधान जारी रखी। बाचस्पति भूलीगले कोविड कटकणा निज निर्वाचन मंडल गस्त समय बाचस्पति कोविड कटकणा भूली जाए अभियोग होमती किसी दृश्य देखा मिली। गंजाम जिला दिगपहंडी ब्लक में आज बाचस्पति सूर्यनारायण पात्र निज निर्वाचन मंडल विभिन्न कार्य शिलान्यास और उद्घाटन करने को जाते समय आगे और पचर विराट मोटरसाइकेल शोभायात्रा देखा मिलता एमती कि मोटरसाइकेल समर्थक मैंने हेलमेट पिंधि ना देखा मिली। खाली से नुह विभिन्न स्थान में शताधिक लोक एकाठी होते जाजपुर जिला बालीचंद्रपुर थाना अधीनस्थ नानपुर ग्रामर आदिवासी नाबालिका दुष्कर्म घटन दलाल को हेफाजत को नहीं बालीचंद्रपुर पुलिस तबे दलाल ब्रह्मानंद नाबालिका को कार्य लगता जमापड़ मामला तदंतकारी ऑफिसर डीएसपी और एडिशनल एसपी अधिक पचराउचरा जारी रखिंट। तबे आसिबा परवर्ती खबर को घर वृद्धा और रोगीणा माँ को तड़ीदे पु बोह यह अभावन दृश्य देखा मिली। पूरी मटियापड़ा छक एभली माँ ना थाना अभियोग देखते धमक दी पूरी मटियापड़ा अंचल आरती दोरा बयस 70 टपिला मधुमेह और पक्षाघात रोग से आक्रांत निज घर स्वामी पु और बोहूर बहुत सह रही आस दुई झी गोटे पु दुई झी बहित कितु एवं निज जन्मकला माँ को घर तड़ी बाहर करदे उद्यम कर पु पुअर बाहाघर पर माँ को ठीक से खावाक दे नभग एपरिकी घर छाड़ी चली जावाक जमापड़ सेपटे भी भाई भाउज घर को आसवाक मना कर जमापड़ आज पु बोहू माँ को धक्का मारी दांड द्वार को नहीं जाते खबर पाई दुई झी से पहुंची माँ पाखे पहुंची घर पड़ा आम घर रही तम सेवा किए कर पु करते नगला कर गाधिया कंजिया मो झी मैंने आसतुना झील मान जगह से मो घर भांगी जा झी मैंने आसबे बो कर बो कौच पला मो जिन पत्र बंधा पक सब घर भी बंधा पकई मत पैसा दे मु खेल दात चोबे आईले पु बो दी जन जाक दात चोबे आईले पूरा मार न मारे देवी तीन टा पु झुआ मोर घर थी हटात फोन गला माँ को माँ तो चली पड़ानी मुझे जानी किंतु से घुसुड़ी घुसुड़ी आसी पड़सा घर को जाकि मागिंट फोन मागिक मत फोन कर माँ जल्दी कांदुं मत भी कांद कहले कांदुच माँ मत नहीं जा आउ मत पु भाई भाज एम कर भाई तोर एम हराण कर मत कह घर बाहर पड़ा आम कौन करी मुझे तुम था मुझे सांगे जामी कहीं ये बाट को गला बहुत थर है सर 4 दिन तले मत धमक देते महिला कमिशन ने देवी शाशु नणंद मत हराण कर मत मो भाई कही घर द्वार माड़बुनु जदि द्वार माड़ तो मुझे तोनारे केस देदेवि। हाईकोर्ट का वरिष्ठ आईनजीवी अशोक महापात्र वियोग होयोग बेलू 62 वर्ष बयस होता कि गत किसी दिन हम किडनी जनित रोग से पीड़ित हो भुवनेश्वर एक घर मेडिकल से चिकित्सित होते हाईकोर्ट रथजात्रा ठार आरंभ कर दुर्गा पूजा और अनेक गुरुत्वपूर्ण मामलें सफल भाव में परिचालना करते वियोग हाईकोर्ट समेत अन्य कोर्टर आईनजीवी मान शोक छाय खेली जा पानी जलपाई रास्तारोक कले महिला केन्दुझर जिला घसीपुरा ब्लक केशदुरापाड़ ग्राम से दीर्घ दिन धरी जल समस्या नहीं नदी और पोखर जल व्यवहार कर विभिन्न प्रकार रोग शिकार होती एने विभाग अधिकारी निकट में अभियोग करते समाधान हो पारे फल आज शताधिक महिला केशदुरापाड़ ब्राह्मणीपाड़ रास्ता को अवरोध कर पानी तो मेन है पानी आउ
ପାଣି ନାଗି ମଣିଷ ଆମର ଛଅ ସାତ ମାସ ହେଲା ବହୁତ ହୀନସ୍ତ ଲକଡାଉନ ପରେ ପରେ ତ ଆମର ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଆମ ସମୟ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇନା ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଯାଉଛୁ ନଈକି ଆଣିବା ପାଇଁ ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଜ୍ୱରରେ ସବୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମର ପଇସା ପତ୍ର କେଉଁଠୁ ଆଣିମୁ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ଦେହ ପା ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ପାଣିର କେମିତି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମେ ଯାଇକିନା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପକୃତ ହେବୁ। पोखरीरे बुढ़ी वृद्धों मृत्यु जाजपुर जिला बड़छणा थाना अधीन खैरा ग्रामर प्रताप चंद्र महाराणा राति रे घर निकट थिबा एक पोखरी को सोचे पई जायथिबा समय रे गोड़ खसी जिबारु से पोखरी रे बुड़ी जाइथिले। प्रताप घर को फेरिबा विलंब हेतु बरिबा लोक माने बहु खोजा खोजी परे पोखरी निकट प्रताप कर चप्पल देखी पोखरी रे बुड़ी जायथिबा संदेह रे चंडीखोल अग्निशम अधिकारी को जणाइथिले। अग्निशम अधिकारी बहु खोजा खोजी परे मृत अवस्था रे वृद्धां को उद्धार करथिले। बीएमसी चाकरी कराई देबा पई कही 6 लाख 50 हजार टंका ठके अभियोग रे 3 जन अटक। एभली एक ठक गैंग को अटक रखी शरणकूल थाना पुलिस। तबे अभियोग अनुसार शरणकूल मोनाली प्रदर्शनी को तांको सांग अभिजित बीएमसी चाकरी कर देबा को कहिथिले। परे तांको चाकरी कराई देबा को मध्य कही 2 लाख टंका नीथिले। तांको सानो भाई एवं अन्य सांग मन को चाकरी कराई देबा को कहे समस्तक ठारु मोट 6 लाख 50 हजार टंका नि जेथिले। एहा परे अभियुक्त पोस्टल माध्यम रे जाल नियुक्ति पत्र मध्य पठाइथिला। तबे किछि दिन परे चाकरी न मिलबार कौशल क्रमे अभियुक्त को धरी पुलिस जिमारे देवा परे से निजे एही जाल नियुक्ति पत्र तैयारी करथवा स्वीकार करछि। गुटे क्लासमेट थिला कॉलेज रे अभिजित प्रधान से मत बहुत दिन साक्षात्कार परे कहले कि मु बीएमसी रे चाकरी करछि तो चाकरी रो प्रलोभन देखै मोठो किछ टंका नै जैतिला आ मु भाई भणी गठो मध्य से 2 मास तले मते चाकरी रो कथा कहितिले। तापर कहले कि किछ टंका लागिवो तापर कहितिले कि इंटरव्यू हबो तुमरो इंटरव्यू दा पई गला बेळ को कहले कि कोविड पई कि इंटरव्यू हे परिवनी तो कन्फर्मेशन आपन को आउटिके समय पर मिलि जबो। आज मोनाली प्रियदर्शन नामक जने झियो आसी अभिजोग कले जे अभिजित प्रधान ତାଙ୍କଠୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଆଉ 4-5 ଜଣଙ୍କଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଏମ୍ସିରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବ କହି 5 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବମୋଟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଇକି ହାତ କରଜ ନେଇକି ଚାକିରି କରିଦେବ କରି ନେଇଛି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସେ ତା'ର ଫଲ୍ସ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ଫଲ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ ପଇସା ପତ୍ର ମାଗିଲେ ସେ କହିଲା ନା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଥାନାରେ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଛୁ ଏବଂ ଅଭିଜିତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକ ରଖିଛୁ ଏବଂ ତା ନାଁରେ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲାଣି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି କି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ରାଜ୍ୟରେ 1400 ପାର ହେଲା କରୋନା ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଆଜି କରୋନା ନେଇଛି 70 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1410କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3 ଲକ୍ଷ ପାର ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ 1372 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ସମୁଦାୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3,140କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 796 ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 576 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି 2,85,164 ଜଣ। ଏବେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି 13,503 ଜଣ। ପୁଣି ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ। କଟକ ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ରେଞ୍ଜ ବଣିଆ ବନ୍ଧ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଘାସୁଆ ଗାଁରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବା କୌଣସି ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ଡିଏଫ୍ଓ ସସ୍ମିତା ଲେଙ୍କା। ଦନ୍ତା ହାତୀଟିର ବୟସ 55 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ହାତୀଟିର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତଦେହର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଡିଏଫ୍ଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇୟରଫୋନ୍ ହେଲା କାଳ। କାନରେ ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଯୁବତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଥିବା ବିଷମକଟକବାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ। ତେବେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଟକବାଡ଼ି ଗ୍ରାମର କାରନ୍ ଗାଣ୍ଟା ନାମକ ଯୁବତୀ ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଚାଲି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ପଛପଟୁ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରେଳବାଇ ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
जंगल भितर युवकों गलित मृतदेह उद्धार। नयगढ़ जिला रणपुर थाना दर्प नारायणपुर फांडी अधीन सातभा पहाड़ पादेश गुंडुरीबारी गांव निकट जंगल उद्धार है गलित मृतदेह। दर्प नारायणपुर फांडी पुलिस पहुंची शव जबत कर तदंत चल मृत शरीर अर्धदग्ध अवस्था रही प्राथमिक तदंतर जमापड़ मृत शरीर निकटर मिलता वोट परिचय पत्र अनुसार मृत व्यक्ति इटामाटी थाना भूतडी गांव अक्रूर प्रधान पु बलभद्र बलवंत राय तेज यह एक हत्याकांड और प्रमाण नष्ट उद्देश्य मृत शरीर पोड़ा उद्यम होता स्थानीय लोक मैंने अनुमान पुलिस अधिक तदंत जारी रखी। बापा माँ चली जाए बेसहारा चारिपु चारिपिला तेज पांच वर्ष तले मार मृत्यु होता बेले भाग्य दाउसा जिला एवं रोग से पड़ बापा मृत्यु घटी फल पेट पोषा को बार द्वार चारिपिला शेष सान दुई भाई भर पाठ पढ़ापी सरकार को नवेदन कर बड़ भाई भी मयूरभ जिला बेतनटी ब्लक देखा रिपोर्ट। मयूरभ जिला बेतनटी ब्लक अधीन अला पंचायतर रायकमा गाँव में रुहती बेसहारा चारि भाई भी पांच वर्ष तले माँ बासंती किस्कु मृत्यु होता और बापा रथ किस्कु छाड़ी आरपारी को चलीगले भलरे रही ना घर टीए अच्छी ना खावाई मुठे दाना मिलू बड़ भाई बड़ भौणी पर घरे मूल लगि सान भाई भौणी मुहरे गंडे दाना दे खाली एतिक नुहे यह चलने कष्टर हो सान भाई और भौणी जंगल रु कोचिला फल साउंटी बिकती बापा आगे बापा मरते एगलानी पंद्रह दिन गांत है माँ एवं बहुत आगु चली जाए पाँच वर्ष पूर्व बर्तमान एमती कम दाम मुडे साडे जाऊँ आ मोटो सानटा भी सी इे साडे जा कम माम कर खाऊे ना ना घर द्वार कि मिलना आ जो मिलवा कथा कहते जे से मिल पारानी मु तो पाठ पढ़ी पारे से मो चाष कम करे आ भाई भाई ही माम को सब उधार करे आमर सब कथा से भाई ही बुझे हाँ इच्छा थिला एबे तो पाठ पढ़ी पारानी आम भाई भौणी आके को ही पाठ पढ़े थे आमर इच्छा से आमको टिके साजो करिबे अन्यपटे अंतिम संस्कार पे गरीब परिवार को हरिश्चंद्र योजना 2000 टंकार सहायता राशि देवार नियम रही दुर्भाग्यर कथा जे एट सरपंच और पीओ एमानक विषय जाणि नथिबा कहिछन्ति सेपटे असहायचारी भाई भौणी को सरकारी सहायता पे निवेदन करिछन्ति संपर्कीय ग्रामवासी मरी जाने बहुत रही भाई बहुत दिन रोग पड़ते भी सी तो पंद्रह कोड़े दिन है मरी जाइंटर भी छुआ मैंने बहुत कष्ट चलुंत पलिथिन तले आज ढेर दिन है तीन चार वर्ष है सेमती सरपंच कहलाजे हाँ देखा दबा से फंड पैसा ना रोह बुझाबुझी कर दबा कहीकिना आम चाहूँ घर तपा माँ मरी जा हाँ आम चाहूँ पिला चार पिला दुटा छोट छोट पिला से पिला दुटा अनाथ आश्रम दे भल हाँ घर फर गोटे गवर्नमेंट थ्रु पाइले भल हाँ तेज के सरकारी साहय मिलूँ आ पे दुख दूर हो देखा बाकी रहा। मयूरभंज बड़साई मनोरंजन बेहरा रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आज परवर्ती खबर को एसटीएफ पंजारे ब्राउन सुगर माफिया बालेश्वर में तीन जन ब्राउन सुगर माफिया को गिरफ्त करने सह एक केजी रु अधिक ओजन धड़ा जहर जबत कर एसटीएफ बालेश्वर सहदेव खुंटार यह जबत कर बालेश्वर पुलिस सहायतार एसटीएफ रही चढ़ाऊ कर सहदेव खुंटा होटल ज्योतिषागर निकटने यह चढ़ाऊ होता सूचना रही अभियुक्त मैंने मस्जिदगढ़ एसके जमी नया बजार प्रभात कुमार सेठी काशी मेला सुकराज जशवंत बाग तीन जन जाक अभियुक्त बालेश्वर जिलार सहदेव खुंटा पुलिस स्टेशन अधीन सर्च समय प्राय एक किलो ब्राउन सुगर जबत करा जाय छी। एहा व्यतीत अन्य किछ आपराधिक सामग्री मध्ये जबत होइतबार सूचना रहिछ। सुनिलानी प्रशासन पोखरी निजे तैयारी कले ग्रामवासी संबलपुर कोचिंडा ब्लॉक पुरुणापाणी गांव में गाधोइबा नी समस्या रहिथिला
ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଗାଁର ଯୁବକ ସଂଘ ନିଜେ ଶ୍ରମଦାନ କରି ଗାଧୁଆ ଉପଯୋଗୀ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁଚୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ପୁରୁଣାପାଣି ଗାଁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗାଁ, ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ଗାଁ ପୋଖରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଗାଧୋଇବା, ଶୌଚ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଗାଁରେ ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଉପଯୋଗୀ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ। ପରେ ଗାଁର ବିଣାପାଣି ଯୁବକ ସଂଘ ସଦସ୍ୟମାନେ ମିଶି ମିଳିତ ଭାବରେ ଶ୍ରମଦାନ କରିଥିଲେ। ନିଜେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରି ହିଡ଼ ଦେବା ସହିତ ପୋଖରୀକୁ ସଫା କରି ଗାଧୋଇବା ଉପଯୋଗୀ କରିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଝାଡ଼କୁସୁମୀ ଗ୍ରାମର କଜରୀ ଗୋଚ ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ତୁମ୍ବଲା ଗ୍ରାମର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ଝାଡ଼କୁସୁମୀ ଗ୍ରାମର କଜରୀ ଗୋଚ ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ରହିଥିବା ନିଜର 4 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଖରିଫ ଚାଷ କରି ଅମଳ ପାଇଁ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିଲେ। ଚାଷ ଅମଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଡ୍ରେସିଂ ମେସିନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ। 15-20 ବସ୍ତା ଧାନ ଅମଳ କରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାଇଲେନ୍ସରରେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ପରେ ଧାନ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦେଖି ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା କୁଲି ମଜୁରିଆକୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହୁହୁ ହୋଇ ଅମଳ କରୁଥିବା ଧାନ ଟ୍ରେସର ମେସିନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳିଯାଇଥିଲା। କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ପରିମାଣର ଥିଲା ଯେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରିନଥିଲେ। ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପରିବା ଦର, 60 ତଳକୁ ନାହିଁ କୌଣସି ପରିବାର ଦାମ। ଆଳୁ ପିଆଜ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, 500 ଟଙ୍କାରେ ପୁରୁଣି ବ୍ୟାଗ। ବେଲଗାମ ଭାବରେ ରେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି। କାର୍ତ୍ତିକରେ କନ୍ଦାଇଲାଣି ପରିବା, ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢି ଚାଲିଛି ପରିବା ଦର। ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପରିବା ବଜାରରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। କରୋନା ସଙ୍କଟ କାଳରେ ପରିବା ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା ନେଇ ହାଣ୍ଡି ଶାଳରେ ଏବେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। ଅଧିକ ରେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଖାଉଟି ଯେତିକି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଠୁ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଆଳୁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଦର ବଢ଼ିଛି, 60-70 ତଳକୁ ନାହିଁ କୌଣସି ପରିବା। ସେମାନେ ତ ଅସୁବିଧା ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ, ଆଳୁ କିଲୋ 2 କିଲୋ ଜାଗାରେ 0.5 କିଲୋ ନେଇକି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଖିକି ଖାଇବା କଥା, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ଆଉ ତ ପଇସା ପତ୍ର ଅଧିକା ଯେଉଁ ଯିଏ 2 କିଲୋ ନେଉଥିଲା ସେ 0.5 କିଲୋ ନେଉଛି। ଆଳୁ ଦେଖିକି ଭାତ ଖାଇବେ, ଟମାଟୋ ଅଛି 50 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ଏମିତି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ବିମ୍ ବି ସେଇ 50-60, ପୋଟଳ 70 ଟଙ୍କା। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ, 5 ଟଙ୍କାରେ ପରିବା ଆଣିଲେ ବି ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ବହୁତ ନେଇ। ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଥିବାରୁ ପରିବାର ଚାହିଦା ଅଧିକ, ବିଶେଷ କରି ଲୋକେ ମାସକ ପାଇଁ ଆମିଷ ଛାଡ଼ିଥିବାରୁ ପରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ନିଆଳି ହାଟରେ ଏବେ ଆଳୁ ଦର 45, ପିଆଜ 70, ଟମାଟୋ 30, ପୋଟଳ 70, ବାଇଗଣ 60, ବିନ୍ 80, ସାରୁ 30, ଭଣ୍ଡା 30, କାକୁଡ଼ି 30, ଫୁଲକୋବି 70, କଖାରୁ 30, କଲରା 70 ଟଙ୍କା କିଲୋ ପ୍ରତି ରେଟ୍ ରହିଛି। ସାରୁ କିଲୋ 30 ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ କିଲୋ 40 ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋ 30 ଟଙ୍କା, ଭଣ୍ଡା 20 ଟଙ୍କା, କାକୁଡ଼ି 30 ଟଙ୍କା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବିଡ଼ା 20 ଟଙ୍କା, ଫୁଲ 30 ଟଙ୍କାରୁ 50 ଟଙ୍କା ଭିତରେ, କଲରା 70, ଭେଣ୍ଡି 60, ବିନ 80, ପୋଟଳ 60। ରେଟ୍ ଅଧିକା ହେଲା ମାତ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ କମିବ। ରେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଧିକା ହେଉଛି? ଅଧିକା ଆମର ଏପଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଆସୁଛି ବାହାରୁ ବାହାର ମାଲ ଆସୁଛି, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଚାର୍ଜ ଅଧିକା ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଅଧିକା ଯେଉଁଠୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଯାଉଥିବ ଗୋଟେ 50 କିଲୋ ବିକ୍ରି ହେବ, ପେପରଟା କମିବ ନା। ଅଧିକ ଜାଗାରେ ଯଦି କିଲୋକୁ 80 ଟଙ୍କା ହେବ, ଲୋକ 250 ଚଳିବେ, ଆଉ ଅଧିକ ନେଇପାରିବେ। ପରିବା ରେଟ୍ ବାପା ଆକାଶ ଛୁଆଁ କହିଲେ ମାସରେ, ଯେଉଁଠି କିଲୋ ଦରକାର ହେଉଥିଲା ଆମେ ପରିବାକୁ ଆମ ରେଟ୍ରେ କିଣୁଥିଲୁ, ଏବେ 250 ଆଣିବା ମୁସ୍କିଲ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ରୋଗ ସକାଶେ ଆଉ ପିଲା ତ କାମଧନ୍ଦା କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ 250 ବି ଆଣିବା ଘର ପରିବାର ଚଳାଇବା ମହା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ, କେମିତି ବୁଝେଇବୁ, ନିଜେ କେମିତି ଖାଇବୁ,
এই কথা বহুত আমাকে কষ্ট লাগুছি বাবা কিছু তো রেট কম করলে সিনা আমি ভালরে খাইবু ভালরে পিঁধিবু ভালরে চলি পারিবু এ তেল লুণ তো আমি যোগাই পারনু কোন্দাউছি পরিবা রেট রাজ্যরে চলিত বর্ষ উৎপাদন কম পরিবা পাই পড়োশী রাজ্য উপরে নির্ভর করিবাকু পড়ুছি ফলরে পরিবা রেট হু হু হই বড়ি চালিছে কটক নিয়ালিরু দেবব্রত রায়ঙ্ক রিপোর্ট অর্গাস নিউজ। अर्गस अपडेट रे वर्तमान पे समय सच्ची अधिक खबर पे देखु थान अर्गस न्यूज। नमस्कार।